بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بھائی کی باتوں کے احترام مہمان نے برابر کر اور متعلقہ کراچی کے لیے تشریف لائے ہمارے مہمان محترم جناب عزت باب پروفیسر محمد عرفان کی صاحب، جو کہ باقاعدہ طور پر اس 15 روزہ کورس علم توحید میں لیکچرر کے فرائض کا انجام دیں گے. ان کے سلسلے تمام تشریف جانے والے موجود مہمانوں کو جامعہ امتیاز طالبان کے پلیٹ فارم کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ سنوال کی سرزمین میں جامعہ قادیہ کو اللہ باب نے یہ اعزاز بخشا. یہ نہایت ہی شاندار 15 روزہ کورس علم توحید، جس کی میزبانی کا شرف جامعہ قادیہ کے نام ہوا، اور انشاءاللہ 15 دنوں میں وہ کچھ سیکھ سکیں گے جو کہ توحید کے حوالہ سے نہایت کی ضروری ہوگا. اس کی تفصیل تو ہمارے مدرسہ مہمان ہی آپ سے بیان کریں گے. تو الحمدللہ جہاں جامعہ قادیہ کو اس کورس کا اعزاز حاصل ہوا، اس کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا، وہاں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ریسنٹلی 24 نومبر جمعرات کے صحیح حل میں ضلع سطح پر محکمہ اوقاف حکومت پنجاب کی طرف سے مقابلہ جشن نعت منعقد ہوا، جس میں مختلف مدارس کے طلباء نے شرکت کی. وہ مقابلہ جب 2 کیٹیگریز پر مشتمل تھے، 15 سال سے کم عمر بچوں کا الگ مقابلہ تھا اور 15 سے 25 سال کی عمر کے طلباء کا الگ مقابلہ تھا. تو ان دونوں مقابلہ جات میں 3 پوزیشنیں تھیں. الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے اور رب الجلال کا شکر ادا کرتے ہوئے قبلہ بابا جی کی حکومت پر حضور بخش آتا ہے. دعوت برکات اللہ علیہ کی دعاؤں سے اللہ پاک نے یہ 6 کی 6 پوزیشنیں جامعہ قادیہ کے نام فرمایا. بات کے حضرات سے چلی تھی تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اے خدا عظیم جامعہ قائم خدا خیر علم جاری شبت لیل و نہار، اور اس میں
यकीनन इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद होते जो कि हमारे प्रोफी भी हैं, मनमोहन सिंह भी हैं और हमारे रहनुमा भी हैं, मेरी मुराद जामिया मकबूल हुजूर उस्ताद उलमा अब्दुल्ला हुजूर की क्लास का सरवर शाह प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती पीर मोहम्मद मजहर ईशा साहेब दामद सरकार बना लिया। वो इन दिनों उमरा शरीफ के लिए हरियाणा शरीफ में हाजिर हैं और इंशाअल्लाह जल्दी हम आपको तशरीफ लाएंगे। बाहर वालों की दुआओं के नतीजा के अनुसार इस प्रोग्राम को कामयाबी से हम प्रदान करवाए। बिना ताकि अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम से आज इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं, जिसके लिए मैं नाम देना चाहूँगा जामिया फिरदिया तहसील के मुद्दत मोहतरम जनाब उस्ताद उस्ताद हजरत मौलाना काजी मोहम्मद मुमताज श्री मिला है तशरीफ लाते हैं। सलाम से कलाम इल्लाह ने से आज के जुमे तौकीन को उसका आगाज करें। والقمر كل يجري إلى
Amen.
लेक्चरर मोहतरम जनाब इज्जत माल मोहम्मद इरफान श्री साहब की से है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने दूर का सफ़र करके जामिया दिल्लिया की हिफाजत से शनिवार के नौजवान और बाशूर आवाम की प्यास बुझाने के लिए उसे शिकला है। तो शिकला के जरा मोहतरम मोहम्मद इरफान जी मिल जाए। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين प्यारे आकाश फरमाया कि तुम अपनी मजलिसों को मुस्तर दूध पाक पढ़कर आराधा करो कि तुम्हारा मुस्तर दूध पाक पढ़ना रोज सयामत तुम्हारे लिए जरूर होगा। सबसे पहले तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम इस कोर्स में क्या कुछ सीखेंगे, इस कोर्स का तारुफ, फिर ये कोर्स कैसे चलेगा, पिछले जो कोर्सेज के कुछ तजर्बा चले हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस कोर्स में क्या कुछ आपको सिखाया जाएगा कि इंशाल्लाह मैं सबसे पहले आपके बारगाह में अर्ज़ करता हूँ। इस कोर्स में इंशाल्लाह सबसे आप सीखेंगे कि दिन और रात कैसे बनते हैं, ये बड़े और छोटे क्यों होते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि दिन होता है, सूरज हमें नजर आ रहा होता है और फिर सूरज हमसे छुप जाता है, रात बन जाती है, रात आ जाती है, तो ये रात कैसे बन जाती है, क्यों बन जाती है, दिन कैसे आ जाता है, कैसे बन जाता है, इसकी वजह क्या होती है। फिर हम ये भी देखते हैं कि दिन बड़े और छोटे होते हैं। जिस तरह आपके मैं ये दिन बड़े और छोटे का मतलब ये कि 24 घंटे अगर लिए जाए तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, तो 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। अब अगर दिन का गुलामिया बड़ा हो जाए, मिसाल के तौर पर दिन जो है 12 घंटे से बड़ा हो जाए, हम क्या देते हैं, अगर 13 घंटे का दिन हो गया, 14 घंटे का दिन हो गया, तो ये क्यों हो जाता है, इसकी क्या वजह होती है। और फिर रात छोटी हो जाती है, तो जिस तरह आज से रातें छोटी हो रही है, रातें बड़ी हो रही हैं, ये रातें क्यों बड़ी हो रही हैं, दिन क्यों छोटे हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजह होती है, ये इंशाल्लाह हम इसमें सीखेंगे। दिन कब बड़े होते हैं और कब छोटे होते हैं और कितने बड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि दिन जब बड़े होते हैं तो ये गर्मियों में बड़े होते हैं, ये सर्दियों में भी बड़े हो जाते हैं, तो आखिर ये गर्मियों में ही क्यों बड़े होते हैं, इंशाल्लाह ये सीखेंगे हम। सर्दियाँ और गर्मियाँ कब और क्यों आती हैं, हम देखते हैं कि 6 महीने सर्दी होती है, 6 महीने गर्मी होती है, फिर ये गर्मियाँ किस वजह से आ जाती हैं, ये दिसंबर और जनवरी में क्यों नहीं आ जाती है, ये जून जुलाई में ही क्यों गर्मियाँ जो शुरू होती हैं, ये सर्दियाँ जो होती हैं ये दिसंबर और जनवरी में ही क्यों होती हैं, ये इंशाल्लाह इसमें हम सीखेंगे। 6 माह का दिन और 6 माह की रात कहाँ होती है, ये भी आपको पता चल जाए चल गया कि 6 महीने का दिन भी होता है और 6 महीने की रात भी होती है। यानी ऐसे भी दुनिया में जितने पाए जाते हैं, ऐसे भी इलाके पाए जाते हैं जहाँ पर 6 महीने सूरज जो है ये डूबता ही है, यानी 6 महीने जो है सूरज उनको नजर आता रहता है, दिख रहता है। और फिर ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर 6 महीने की रात होती है, यानी 6 महीने सूरज उनको नजर आता ही है। ये कौन से मकाम हैं, वो क्या वजह होती है कि वहाँ पर 6 महीने का दिन ही रहता है, या जहाँ पर 6 महीने की रात होती है तो 6 महीने की रात ही क्यों रहती है, ये इंशाल्लाह हम उसको सीखेंगे। फरवरी का महीना कभी 28 से कभी 29 का क्यों होता है, जिस तरह हम देखते हैं कि हर 4 साल के बाद जो है हम 1 दिन फरवरी के महीने में इजाफा कर लेते हैं और फरवरी का महीना होता है ये 29 दिनों का किया जाता है। ये फरवरी में क्यों किया जाता है, ये बाकी महीने भी होते हैं हमारे पास, नवंबर का हो गया 3 दिन का होता है, इसके अलावा अप्रैल का ले लें 30 का होता है, उसमें 31 क्यों नहीं कर लिया जाता, ये फरवरी के महीने में ही हम 29 का 1 दिन का इजाफा क्यों करते हैं, फिर ये 4 साल के बाद क्यों करते हैं, हम 10 साल के बाद 2 दिनों का इजाफा क्यों नहीं कर लेते,
हम हर दूसरे साल के लिए इस तरह का सिलसिला कर लेते हैं, या हमें चार साल के बाद ही इसकी क्यों जरूरत महसूस होती है कि हम फरवरी में एक दिन का इजाफा करें, तो इंशाल्लाह ज्ञान की जाएगी। याद रखिए कि जमीन साकिब है, इसके बारे में होगी तफसीली गुफ्तगू। हमारी जितनी भी स्कूल कॉलेज की किताबें हैं, प्राइमरी क्लास से लेकर और हाई लेवल तक, यानी कि बी एस सी लेवल तक, उन सब में ये पढ़ाया जाता है कि ये दिन और रात बनते हैं ये जमीन की हरकत की वजह से बनते हैं। यानी जमीन जो है ये अपने मरकज के गिर्द यूँ घूमती है, जो दिन और रात बनते हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। बल्कि हकीकत क्या है कि जमीन साकिन है और सूरज इसके गिर्द घूमता है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। तो इंशाल्लाह इसके हवाले से तफसीली गुफ्तगू होगी कि क्या जमीन जो है ये घूमती है या नहीं घूमती, क्या इस पर एक मुसलमान को क्या यकीन रखना चाहिए कि क्या दिन और रात बनते हैं, ये सूरज के जमीन के गिर्द घूमने से बनते हैं या कि जमीन के अपने मरकज के गिर्द घूमने से बनते हैं। ये इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू होगी। आज की घड़ी क्या चीज है और ये कैसे काम करती है। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही टाइम वाइज है, शायद अगर आपने गौर किया हो। फर्क क्या होता है, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ घंटों का फर्क होता है। मिसाल के तौर पर हमारे इस वक्त अगर यहाँ पर टाइम जो है वो 8:05 हुए, तो अरब शरीफ में 6:05 होंगे। यानी टाइमिंग पूरी दुनिया में 1 घंटे का फर्क आ गया, मुल्कों में 2 घंटे का फर्क आ गया, 3 घंटे का आ गया, लेकिन मिनट वगैरह पूरी दुनिया में कमोबेश उसी तरह। बाद मुल्कों में जिस तरह इंडिया का और हमारा 8 घंटे का फर्क है, तो हमारे यहाँ यहाँ 5 घंटे की घड़ी राय है, तो वहाँ पर 5:30 घंटे की घड़ी राय है। तो यही फर्क होगा, यानी 1:30 का फर्क, या पूरी दुनिया में टाइम एक ही घड़ी जो है वो गायब है, जिसका टाइम हर मुल्क वालों ने क्या किया हुआ है कुछ घंटों के फर्क से, या कहने की 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, या 10:30 घंटे, 5:30 घंटे, 6:30 घंटे, जिस तरह बांग्लादेश का 6:30 घंटे का टाइम है। ये पूरी दुनिया में एक ही जो घड़ी आई है उसको कहते हैं आलमी घड़ी। उस घड़ी से जो है हर मुल्क जो है अपना टाइम जो है वो मुक्ति करता है। इन तरह जब घड़ियों की बातें होगी उसमें हम तफसील के साथ बात करेंगे। तो ये जो है कि आज की घड़ी क्या होती है और ये कैसे काम करती है, इंशाल्लाह इसके ऊपर कलाम होगा। एक मुल्क के औकात दूसरे मुल्क के औकात से क्यों मुख्तलिफ होते हैं और कितने मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह के हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त 8:05 हुए हैं, तो अरब शरीफ में 6:05 हुए होंगे, कुछ आम से 2 घंटे का फर्क है। इंडिया में हमसे चले इस वक्त 8:35 वहाँ पर हो चुके होंगे, हमारे यहाँ पे 8:05 हुए हैं। इसी तरह बांग्लादेश का जो है वो हमसे गलत 1 घंटे का फर्क है। तो ये फर्क इस तरह क्यों है, इस वजह से यह फर्क होता है, यानी एक मुल्क की टाइमिंग जो है दूसरे मुल्क की टाइमिंग से क्यों मुख्तलिफ होती है। इसी तरह हमारे जब शाम के 5 बजते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में शाम के 5 बजते हैं, तो इंग्लैंड में जो है वो दिन के 12 बजते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो ये सारी इंशाल्लाह एक मुल्क के औकात हैं कि दूसरे मुल्क से मुख्तलिफ क्यों होते हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर कलाम होगा। बाद ममालिक में घड़ियाँ 1 घंटा आगे या पीछे क्यों की जाती हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं की जाती। शायद आपको मालूम होगा कि कुछ मुल्कों में ये टाइम आगे पीछे करने का सिलसिला होता है, पाकिस्तान में भी किया गया है, शायद आपकी सोचो, लेकिन अब नहीं किया जाता। वो क्यों नहीं किया जाता और जिन मुल्कों में अब भी राइट है वो क्यों राइट है, वो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम कलाम करेंगे। रमजान मुबारक कभी सर्दियों और कभी गर्मियों में क्यों आता है। इस तरह के हम देखते हैं कि आज से 17 साल पहले जो हम रोजे रख रहे थे वो हम सर्दियों में रख रहे थे, आज 15 साल के बाद जो है अब हम जो है वो गर्मियों में रोजे रख रहे हैं। अब से 15 साल के बाद जो रमजान मुबारक होगा वो सर्दियों में होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है कि रमजान मुबारक कभी सर्दियों और गर्मियों में क्यों आता है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी कलाम करेंगे। मकनातीस का मुसलमान क्या चीज है और ये कैसे काम करता है। एक छोटी सी जिजिया भी होती है जिसके जरिए हम ये पता करते हैं कि मशरिक मगरिब और शुमाल में किस तरह से किबला नुमा भी कहा जाता है इसको, ठीक है, वो क्या है, कैसे काम करती है और वो चीज क्या है, इंशाल्लाह इसके ऊपर कलाम होगा। पाकिस्तान में सबसे बड़ा रोजा और सबसे छोटा रोजा कहाँ होगा। इस बार जो रमजान मुबारक था यहाँ पंजाब में, तो फिर दिल्ली का वक्त अगर किसी को याद हो तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 3:45 बजे के लगभग खत्म होगा। ऐसे
3:30 के लगभग जो था, लेकिन कराची में ऐसा नहीं था। कराची में हम बाद में सहरी का वक्त खत्म हो रहा था, तो वहाँ पे 4:15-4:30 बजे जो खाना मिल पाएगा। लेकिन एक घंटा रोजा कराची में जो था ये छोटा था, और आप लोग यहाँ पंजाब में जो रख रहे थे रोजा, ये एक घंटा कम हो गई जो था मुख्य टाइम थी, तो ये एक घंटा बड़ा रोजा आप रखते थे। आप बड़ा रोजा क्यों रख रहे थे और हम छोटा क्यों रख रहे थे, ये रोया क्यों होता है, किस वजह से होता है, इंशाल्लाह नजर तस्वीर के कारण शुरू होगी। इसी तरह अगर हमारे पास कंपास ना हो, इसके जरिए वो छोटी सी डिग्रिया होती है जिसको कंपास में नुमा भी कहते हैं, इसके जरिए हम ये पता करते हैं कि मशरिक मगरिब का मालूम किस तरफ है। अगर हमारे पास वो ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि मशरिक किस तरफ है, मगरिब किस तरफ है, शमाल किस तरफ है, जनूब किस तरफ है, तो ये इंशाल्लाह नजर तस्वीर बात होगी। मसाजिद में अवेजा बताते नमाज के नक्शे कैसे तैयार किए जाते हैं, हमारे एक नक्शा लगा होता है मस्जिदों में, इनमें तो इसकी अहमियत सिर्फ इसी से आप अंदाजा लगा लें कि अगर कोई साहब हमें ये कह दें कि जो मस्जिद में नक्शा औकात नमाज का लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है, तो हमारे पास क्या कोई तरीका है, कोई रसूल है, कोई फवायद जवाबत है कि हम उसको साबित कर सकें कि ये नक्शा ठीक है। या अगर वो यही कहते हैं कि जो सैलरी आपने ऐलान किया मौलाना साहब ने, ये जिस वक्त ने सैलरी का ऐलान किया है ये इसने 10 मिनट लेट किया है, ये जो कैलेंडर में लिखा हुआ है ना 10 मिनट लेट लिखा हुआ है, वक्त पहले खत्म हो गया था, लोग जो 10 मिनट तक खाते रहे हैं वो उनके रोजे गए। अगर कोई साहब इस तरह कह रहे हैं क्या हमारे पास इसके जवाब देने में हमारे पास कोई मालूम है, या किसी को बहुत सारी बात में बोलेगा तो मुझे भी जरूर बताइए, मैं भी सीखना चाहता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस दर्जे हम इसमें सीखेंगे कि औकात नमाज के नक्शे कैसे बनाए जाते हैं, और कहो बेश हर कोर्स जो पिछले काफ़ी महीनों से मैं करवा रहा हूँ, हर कोर्स के ऐसे साहब जरूर मिले हैं कि उन्होंने नक्शा कोर्स के एंड में बनाकर चेक करवाया है कि एक महीने का ये हमने नक्शा बनाया, तो इसी कोर्स से सीख कर बातें जो है उन्होंने नक्शा बनाकर चेक करवाया, तो मैं उम्मीद रखूँगा कि आप भी बड़ी दिलचस्पी के साथ औकात नमाज के नक्शे बनाते वक्त क्या एहतियातें की जाती हैं। बुलंद हमारा और हवाई जहाज वाले रोजा देर से इफ्तार क्यों करेंगे, इसको आता जो आप बता रहे हैं कि रोजा इफ्तार करने के लिए सूरज का गुरूब होना जो है वो शर्त है, सूरज गुरूब होगा तो फिर भी आप रोजा इफ्तार करेंगे, तो जो जितनी ज्यादा बुलंदी के ऊपर होगा उसको सूरज ज्यादा देर तक नजर आता रहेगा, यानी आप देखते हैं जो फर्ज के ऊपर होगा उसके लिए सूर्य पहले गुरूब हो जाएगा, जो जितना ज्यादा ऊंचा होता चला जाएगा उसके लिए सूर्य उतनी देर बाद गुरूब होगा, जो ज्यादा ऊंचा चला जाएगा वो ज्यादा देर, तो जो नीचे होगा उसके लिए वक्त इफ्तार पहले हो जाएगा, जो ऊंचा होगा उसके लिए वक्त इफ्तार बाद में होगा, ये आसान सा सवाल था। तो इंशाल्लाह नीचे ऊपर भी होगी थोड़ी सी, और इसके बाद इंशाल्लाह हम जो कोर्स में सीखेंगे सूरज की मदद से सिद्ध कितना कैसे मालूम की जाए। सबसे पहले तो यही उनमें टॉपिक कोर्स की एक तो सूरज की मदद से भी है, अगर हमें कोई ये कहते हैं कोई साहब कोई कहते हैं
कि ये जो मस्जिद आपकी बनी हुई है ये किबला रुख नहीं बनी हुई बल्कि किबला रुख पर है। अगर कोई साहब हमारी मस्जिदों के बारे में कोई कह रहे कि ये मस्जिद जो है ये किबला की तरफ है कि जब साहिबान वाले नमाज पढ़ते हैं वो किस तरह का है, तो क्या हमारे पास इसको कोई जवाब देने के लिए जो सबूत को दिलाए या कोई ऐसी बातें हैं कि जिससे हम उसको चुप करा सकें या ये कह सकें या यही साबित कर सकें कि ये जो हमारी मस्जिद बनी हुई है ठीक बनी हुई है या हमें कितनी मालूम आ रहा है। हम खुद जो नमाज पढ़ते हैं वो क्या हम सही किबला ही पढ़ते हैं, हमें कैसे पता चला कि किबला इसे गलत है कि हम बात। तो इंशाल्लाह आज जब इसमें ये भी हम सीखेंगे और जहाँ ये सवाल ये सूरज की मदद से जिंदे किबला कैसे मालूम की जाती है इंशाल्लाह ये सवाल होगा। दुनिया के किसी भी शहर के लिए जिंदे किबला मालूम करना सीखेंगे हम, घर और मस्जिद के लिए जिंदे किबला कैसे चेक किया जाए ये इंशाल्लाह आज जब सीखेंगे। खाना काबा की छत पर किसके रूप मुँह करकर नमाज पढ़ ली जाएगी, यानी अगर खाना काबा की छत पर हो या खाना काबा के अंदर हो किस रूप मुँह करके नमाज पढ़ेंगे या ये भी इंशाल्लाह आज जब सीखेंगे। मुड़ती हुई ट्रेन में किस रूप नमाज पढ़ी जाएगी, फिर बुर्ज क्या होता है, सुने हमने बुर्जों के नाम आपने बुर्ज हमल तो जोजा वगैरह सरकार अखबारों में भी एक पूरा बना होता है कि आपका बुर्ज कैसा दिन कैसा गुजरेगा आपका, तो इंशाल्लाह ये भी इसकी हकीकत आपके सामने आएगी कि बुर्ज क्या हो गए हैं जी। एक शहर से उकाते नमाज दूसरे शहर से मुख्तलिफ क्यों होते हैं ये इंशाल्लाह सीखेंगे। जिस तरह की अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि कराची में जो फजर की नमाज का वक्त था गर्मियों में जब रमजान मुबारक था तो वो बाद में शुरू हो रहा था एक घंटा, पंजाब में एक घंटा पहले शुरू हो रहा था, यानी खतरे तहरीक का वक्त का मतलब यही है ना कि फजर की नमाज का वक्त शुरू हो गया, तो फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जब हो जाता है तो उसी वक्त खतरे तहरीक है वही टाइम एक ही टाइम है, तो आप कराची में जो है वो एक घंटे बाद जो है फजर की नमाज का वक्त शुरू हो रहा है, यहाँ पंजाब में या साहिबाल में कह रहे हैं कि एक घंटा पहले नमाज फजर का वक्त शुरू हो रहा है, तो इसका क्या मतलब कि औकात नमाज में फर्क है, ये फर्क है तो क्यों फर्क है, मुख्तलिफ शहरों के औकात जो है ये क्यों फर्क आता है इनमें और ये कितना कितना आता है कब कब आएगा कैसे कैसे आएगा ये इंशाल्लाह हम इसको सीखेंगे। क्या एक शहर के औकात नमाज से दूसरे शहर के औकात निकाले जा सकते हैं, आपने ये भी देखा होगा कि वक्त इफ्तार अगर किसी को याद हो तो रमजान मुबारक महीने जो इफ्तारी हो रही थी वो कमोबेश कराची और यहाँ साहिबाल कमोबेश चंद मिनटों का फर्क था, 10 मिनट का फर्क था, लेकिन सही में 1 घंटे का फर्क था, यानी दोनों में फर्क है वो यकसा नहीं है कि अगर इफ्तारी 1 घंटा बाद है तो सहरी भी 1 घंटा बाद नहीं, 1 घंटे के फर्क सहरी में भी होता और इफ्तारी में भी होता, ऐसा नहीं कभी फर्क कुछ होगा कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, तो ये क्यों होता है, क्या एक शहर के औकात नमाज के कैलेंडर से हम दूसरे शहर के औकात नमाज का कैलेंडर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, मिसाल के तौर पर हमारे पास साहिबाल का हो तो क्या साहिबाल के कैलेंडर से हम मुल्तान का कैलेंडर बना सकते हैं औकात नमाज का कैलेंडर, क्या हम लाहौर के कैलेंडर से साहिबाल का बना सकते हैं, क्या बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, किन शहरों का बनाया जा सकता है तो क्यों बनाया जा सकता है, ये इंशाल्लाह चर्चा देखने के लिए हम क्या एक शहर के औकात नमाज से दूसरे शहर के औकात निकाले जा सकते हैं, वो कौन से मकाम हैं जहाँ पर इशा का वक्त नहीं आता, दुनिया में ऐसे भी खिते हैं ऐसे भी शहर हैं जहाँ पर इशा की नमाज का वक्त ही नहीं आता, इशा की नमाज का वक्त क्या होता है मगरिब के बाद जो आपको रोशनी नजर आ रही होती है सूरज की वो जब खत्म हो जाती है अंधेरा खा जाता है तो फिर इशा की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, तो वहां पर वो अंधेरा जो है वो आता ही नहीं है बल्कि क्या होता है कि फजर की नमाज के वक्त हमें रोशनी नजर आ रही होती है वो रोशनी होती है सूरज निकल आता है, यानी कहने के वो वहां पर सूरज इतना नीचे जाता ही नहीं है कि वो रोशनी यानी अंधेरा बने बल्कि वो जो रोशनी मगरिब के बाद हमें नजर आती है या नमाज फजर के बाद जो है सूरज शुरू होने से पहले जो रोशनी होती है वही रोशनी जाती है, अंधेरा आता ही है तो वहां इशा की नमाज का वक्त नहीं आता, वो क्यों नहीं आता और किन दिनों में नहीं आता और कौन सी जगह होगी जहां पर ऐसा होगा ये इंशाल्लाह जब इस कोर्स में हम सीखेंगे। सहवर सात फजर जोहर असर मगरिब इशा के वक्त किस दिन कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड से शुरू होता है इन शाह निकालना सीखेंगे। आला हजरत इमाम अहमद सिंदर इमाम अहमद रजा खान अली रहमत रहमान और काफी साहब इफ्तार में क्या इख्तियार फरमाते हैं, इमाम अहमद सिंदर ने इल्म तौहीद किस किस को सिखाया ये इंशाल्लाह हम सीखेंगे।
आला हजरत के साहब के नक्शों पर इत्तेबार करते थे, इंशाल्लाह उनका जब ये सीखेंगे हम। और इमाम अहले सुन्नत फिल्में टॉपिक्स में कितने माहिर थे, इमाम अहले सुन्नत फिल्में टॉपिक्स में इतने माहिर थे कि आप दिन के वक्त सूरज को देखकर और रात के वक्त में सितारों और चांद वगैरह को देखकर आप टाइम बता दिया करते थे, घड़ी का वक्त बता दिया करते थे। वो वक्त वो इतना दुरुस्त होता था कि मिनटों में ठीक होता था। ये इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुल्लाह की इस फन में फलकियात में इतनी ज्यादा महारत आपको हासिल थी जी। इसके बाद हम इंशाल्लाह जो सीखेंगे कि तासुर शाही और फन में कैसे बनता है। लिखा भी होगा आपने कई बार तासुर शाही, लिखा पढ़ा भी होगा तासुर शाही, जगह जगह हम बिस्मिल्लाह की जगह पे ये जो है लिखते हैं बाबू का। तो ये क्यों लिखते हैं, ये कैसे बनता है, ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह सीखेंगे। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण कब और कैसे होता है, ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसीली बात होगी। क्या 27-28 को रोज से हिलाल हो सकती है, यानी हम देखते हैं कि इस्लामी महीना जो है या तो 29 का होता है या 30 का होता है। 27-28 को चांद क्यों नजर नहीं आता, या क्या नजर आ सकता है कि नहीं आ सकता, अगर नहीं आता तो क्यों नहीं आता, इस्लामी महीना जो है 27-28 का नहीं हो जाता, ये इंशाल्लाह समझ लेते हुए कलाम होगा। और फिर बुजुर्गों का सवाल कि पेशावर वालों को चांद जो है ये 1-2 दिन पहले कैसे नजर आता है, ये मसला जो हमारा बनता है पेशावर वालों के साथ ये क्यों बनता है, ये इंशाल्लाह इसके ऊपर भी कलाम होगा। सऊदी अरेबिया में इस्लामी महीने की जगह 1-2 दिन पहले कैसे हो जाती है, जिस तरह से हम हमेशा से देखते चले आ रहे हैं कि अक्सर देखने में आया कि सऊदी अरब में क्या होता है कि वो यकम इस्लामी महीने की पहली जो है वो 1-2 दिन वो पहले करते हैं। इस बार आपने छोटी ईद के मौके पर आपने देखा होगा कि हमारी और उनकी ईद कटी हुई याद है, छोटी ईद पे हमने ईद कटी हुई थी, वो क्यों की थी, ये ऐसा क्यों हुआ था, ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह सीखेंगे। और फिर किस ईद की तारीख को कौन सी इस्लामी तारीख होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये भी देखेंगे। और भी इसके अलावा बहुत कुछ होगा, मिसाल के तौर पर ये भी होगा इस कोर्स में कि जो 29 तारीख को चांद से नजर आने की पेशन पे की जाती है ना, वो कैसे की जाती है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप खुद बता सका करेंगे कि 29 तारीख को चांद नजर आएगा कि नहीं आएगा, यानी इस्लामी महीना 29 का होगा नहीं होगा। और फिर ये मैं वो छोटी छोटी बातें जो है वो आपको मजीद आपके सामने रखता हूँ। फिर नमाज का टाइम है 8:30, फिर बाकी बातें इंशाल्लाह कल करेंगे। इतना कुछ आपने सीखना है और आज 1 दिन भी लग गया 15 दिन से ना, तो 14 दिन लगे। तो आपने एक काम जो करना है ये करना है कि आपने छुट्टी नहीं करनी, इसकी अहमियत तो आपको मैंने बता दिया है कि हमें ये नहीं पता कि जिस तरफ हम किबला की नमाज पढ़ते हैं इधर किबला है भी कि नहीं है, जिस कैलेंडर को हम फॉलो कर रहे हैं कि क्या उसका टाइम ठीक है भी कि नहीं है, या कहने के हम क्यों कर रहे हैं इसको फॉलो, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये क्या है, जिसके असूल कवायद जो अलग हैं तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये इन शाला एक तो आपने छुट्टी नहीं करनी, कल से ठीक 7:30 बजे लगने शुरू हो जाएगा, तिलावत हम इससे पहले कर लेंगे, ठीक है। फिर क्योंकि ये कोर्स जो है ये बहुत अहम है, बहुत अहम है और ये बिल्कुल आम पहन होगा और आप हर उम्र के जो लोग हैं वो इसमें शिरकत किया करें, आप जिसको भी लाना चाहें जो दोस्त अहबाब आप नहीं आए उनको आप दावत देकर जरूर लाएं। और कहने के 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे से लेकर कहने के बड़ी उम्र के हमारे बुजुर्गों तक सभी इस कोर्स में आ सकते हैं, पढ़े हुए हों ना पढ़े हुए जो भी आप इंशाल्लाह वो कोर्स में आते रहेंगे ना वो जरूर आपको बाद में कहेंगे यार आपने बहुत एहसान किया मुझे जो है ना आप इस कोर्स में ले आए, ठीक है। पाबंदी के साथ जो तरीक होते रहेंगे उनके लिए इंशाल्लाह इसका जल्द आखिर में नाचर सिलसिला भी होगा कि जिन्होंने छुट्टी नहीं की होगी इंशाल्लाह इसका जल्द उनको जो आखिरी माई के लिए व्यक्ति में नाचर सिलसिला होगा उसमें इंशाल्लाह हम ये भी करेंगे। पहला हफ्ता जो होता है हमारा इस कोर्स में किसी हम फलकियात की बातें करते हैं, इस्लामी महीने क्या होते हैं, ये छोटा बड़ा क्यों होता है, चांद क्यों नजर आता है, क्यों नजर नहीं आता, सूरज ग्रहण में चांद है। फिर तीसरा हफ्ता जो हमारा होगा उसमें यानी आखिरी 5 दिन जो होंगे उस आखिरी 5 दिन में हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन का मतलब हिसाब का टाइमिंग, कितने बच्चे कितने मिनट कितने सेकंड, कितने बच्चे कितने मिनट कितने सेकंड, कहाँ पे वक्त जोर शुरू होगा, कहाँ पे वक्त फजर शुरू होगा, कहाँ पे, तो आखिरी जब होंगे उसमें हमें फिर साइंटिफिक कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे
होगी इंशाल्लाह अगर जल्द जिस चीज़ की जरूरत होगी वो इंशाल्लाह आपको बता दी जाएगी और वो इंशाल्लाह यहाँ से कोशिश करेंगे कि वो अगर हो जाए तो वो अवेलेबल हो जाएगी फोटो कॉपी हम यहाँ पे अवेलेबल करेंगे। अभी क्योंकि नमाज का टाइम होने को है तो आपसे मैं यही अर्ज करूँगा कि कल 7:30 बजे लेक्चर का आगाज हो जाएगा, आप यहाँ पे 7:30 बजे पहले कम से कम 10 मिनट आपसे सीख लें क्योंकि यहाँ पे इशा की नमाज है वो बाद में होती है ज़रा लेट होती है, तो आप यही रखेंगे इशा की नमाज आप यहाँ पर पढ़ें। सवाल आपकी बिल्कुल इजाजत हो गई, इस फन के ऊपर आप जितने क्वेश्चन करना चाहें जो कुछ भी पूछना चाहें वो बिल्कुल आप करें, लेकिन दौरान लेक्चर की इजाज़त नहीं होगी। दौरान लेक्चर इस वजह से इजाज़त नहीं रखी कि फिर जो इतने सारे मौजूद हैं वो हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, उस सवाल के जवाब को देने में हो सकता है 5 मिनट या 10 मिनट लग जाएँ, तो जो चीज़ें जो है सवाल मैंने आपको बताना है समझाना है तो वो फिर रह जाएंगे। तो जब फिर यहाँ से फारग हो जाएंगे लेक्चर के बाद कादर सलाम के बाद में इंशाल्लाह आपके पास हाजिर होगा, आप जो कुछ भी पूछना चाहें सीखना चाहें तो आप इसको आप पूछ सकेंगे। कोई समझ ना आए मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी गुजारिश होगी कि आप इस फन के ऊपर जहाँ से आप मालूम लेना चाहें आप लें, मिसाल के तौर पर जो हमारे चार की चीज़ें होंगी वो ज़्यादा देर रह जाएंगी, एक सूरज वाला देर रह जाएगा क्योंकि उससे हमारा जो है वो काफ़ी नमाज में है, चांद आएगा क्योंकि उससे हमारे इस्लामी महीने हैं, एक सूरज आएगा एक चांद, तीसरा हमारा आएगा जमीन कि हम जमीन पे कहाँ पर खड़े हों तो चांद नजर आएगा कहाँ पर हो चांद नजर नहीं आएगा, यानी जमीन के किस हिस्से में यानी कराची में है लाहौर में है दुबई में है इंग्लैंड में है कहीं पर, यानी जमीन हमारा जो है ना वो गुटू में आएगी, फिर उसके बाद चौथी चीज जो आएगी वो हमारी होगी खड़ी यानी कितने बज कर कितने मिनट, इन चारों चीज़ों का ताल्लुक हम आपस में करेंगे। इसकी मालूम आप जहाँ से किताबों से हासिल करना चाहें किताबों से हासिल करें नेट से हासिल करें जहाँ से भी आप ले सकते हैं आप लें, सोशल मीडिया है यानी मोबाइल है क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह यानी कहना कि वो है मुख्य एप्लीकेशन जो होती है वहाँ से आप लें, जो भी आप क्वेश्चन करना चाहें इस पंथ से निकल कर इंशाल्लाह मैं आपके पास हाजिर होगा, आप करें मैं भी आपसे सीखने के लिए आया इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एक शुरू में यानी मैं ये बात नहीं थी कि प्रोफेसर मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ ठीक है, मेरी इस कहने के शोबे में दिलचस्पी थी तो मैंने इसमें काम करना शुरू किया, उलमा ने हुक्म दिया कि आप इस काम को स्टेज में सीखने सिखाने वाले कम हैं टीचर कम हैं हमें मिलते नहीं हैं तो आप इस काम को आगे बढ़ाएं इसको लेके आगे चले ताकि हमारे पास जो है इस फन में जरा मजबूती है, तो फिर ये कोर्सेज का सिलसिला किया मैंने शुरू किया तो फिर डॉक्टर साहब ने भी हुक्म दिया कि मैं यहाँ पे हाजिर हुआ, मैं कोई बकायदा प्रोफेसर नहीं हूँ बस ये दिलचस्पी है। अलहमदिल्ला जामिया नहीं है कराची में है खान साहब का जामिया है वहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पर तकसुस यानी कि मुफ्तियाँ कराम बनने के लिए वहाँ पर आते हैं उनकी पीरियड होते हैं वहाँ पर मैं यही फन पढ़ाता हूँ, तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला जो कुछ सुना समझा सीखा इसको अता फरमाए, कल तो मैं उम्मीद रखूँ कि आप ना सिर्फ खुद तशरीफ लाएंगे बल्कि दूसरों को भी लाएंगे, अपने साथ दो दो तीन तीन चार चार साथियों को दोस्तों को कोई भी हो आप उनको लेके आए, ठीक एक घंटे का लेक्चर होगा जिसमें एक घंटे के लेक्चर के बाद इस्लाम पढ़ेंगे किसी द्वारा हो तो आप बात नहीं कर सकते, कल आपको रोल नंबर भी अलाट कर दिए जाएंगे ठीक है, तो कल आप जरूर वक्त से पहले तशरीफ ले Thank you.